कन्हैया कुमार ने थामा कांग्रेस का दामन। मिलन समारोह के दौरान कहा, देश को बचाने के लिए कांग्रेस को बचाना जरूरी। बीजेपी ने साधा निशाना। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर बोले तेज प्रताप यादव, हमारे पिता माता ने की थी इनकी मांग, बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सीएम सोरेन हुए सक्रिय, टीका एक्सप्रेस को किया रवाना। बालू माफिया पर पुलिस सख्त, नालंदा में चार वाहन जब्त, तीन चालकों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजनीति जगत की। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी का चेहरा रहे कन्हैया कुमार ने मंगलवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कन्हैया ने के साथ ही गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी भी वैचारिक रूप से कांग्रेस के साथ जुड़े। हालांकि विधायक होने के कारण कुछ तकनीकी मुद्दों के मद्देनजर आने वाले दिनों में वह औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वहीं पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के दौरान संबोधन करते हुए कन्हैया कुमार ने बताया कि आखिर में उन्होंने क्यों कांग्रेस को ही चुना। अपने संबोधन के दौरान कन्हैया ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के दिन देश को बचाने के लिए कांग्रेस को बचाना जरूरी है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। उन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक पार्टी करार देते हुए कहा कि आज संघ वाले या बीजेपी क्या कुछ कर रही है पूरा देश देख रहा है। जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की है, उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे ना सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है, हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा, लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। इधर कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होगी। कन्हैया सिर्फ बिहार के ही नहीं संपूर्ण देश का आइकन बनेंगे। वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी में आस्था रखकर पार्टी में शामिल हुए हैं। कन्हैया कुमार जी को स्वागत करते हैं कि जिन्होंने श्री राहुल गांधी जी में और श्रीमती सोनिया गांधी जी में आस्था व्यक्त करके कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, और निश्चित तौर पे कन्हैया जी के आने के बाद पार्टी सशक्त और मजबूत होगी। चूँकि कन्हैया कुमार न बल्कि बिहार के, संपूर्ण भारत के छात्र का आइकन है, छात्र नेता उभरे हैं और बड़े छात्र नेता उभरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कन्हैया के बराबर आज कोई छात्र नेता भारत में किसी का लगाव किसी प्रदेश से हो सकता है, लेकिन संपूर्ण भारत में अगर छात्र नेता के रूप में हम देखते हैं तो आज के दिनों में कन्हैया कुमार दिखाई देते हैं। और ऐसे कन्हैया कुमार अगर कांग्रेस में आस्था व्यक्त किए हैं, श्री राहुल गांधी जी और श्री सोनिया गांधी जी में आस्था व्यक्त करके कांग्रेस का दामन थामे हैं, तो ये शुभ संकेत न सिर्फ कांग्रेस के लिए है बल्कि भारत के लोकतंत्र के लिए। इधर कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर के बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक तरफ भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा कि बिहार में महागठबंधन खंड खंड हो जाएगा। कुमार पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, उनके ऊपर
देश के खिलाफ नारे लगाने के आरोप लगे हैं और कोर्ट ने साबित भी किया है। भारत के 100-100 टुकड़े होने की बात, कश्मीर की आजादी की बात और भारत की बर्बादी की बात उन्होंने की है और उसके बाद वो चुनाव लड़ने आए तो तेजस्वी यादव ने उनको जगह नहीं दिया। उनके कारण, कन्हैया कुमार के कारण ही कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता तेजस्वी यादव ने नहीं किया। उनको लगा कि तेजस्वी यादव के सामने कन्हैया कुमार जैसा एक बड़ा देशद्रोही आ जाएगा तो मेरे मुद्दे गौन हो जाएंगे, कन्हैया कुमार का मुद्दा हावी हो जाएगा, इसलिए उन्होंने गठबंधन नहीं किया। कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने से पहले ही इस गैंग का नाम का असर कांग्रेस पर डालना शुरू हो गया है, पड़ना शुरू हो गया है, कांग्रेस का टुकड़ा टुकड़ा होना शुरू हो गया। सिद्धू ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तिवारी ने खिलाफ में बयान दिया और उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिलेगा और दिल्ली में ही नहीं बल्कि उसका असर बिहार के महागठबंधन के भी टुकड़े टुकड़े होने के रूप में आप आगे देखेंगे। इधर विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सत्ता दल और विपक्ष में नोकझोंक शुरू है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के बयान के बाद अब सियासी हलचल है। ऐसे में बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जा की मांग नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने की थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और आज भी यह मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा का जहाँ की बात आप कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मांग किया है, विशेष राज्य का जो स्पेशल स्टेटस जो बिहार को मिलना था वो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री जब थे तो जब अटल बिहारी जी जब यहाँ पे बिहार में आए थे तो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री को जाना रहता था, उसके दौरान नीतीश कुमार जी भी लोग थे, तमाम लोग थे, तो उन्होंने बात किया कि इस बिहार को स्पेशल पैकेज स्टेटस मिलना चाहिए तो नीतीश कुमार जी वहाँ मना कर दिए थे। इधर पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री और शहीद जगदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 30 सितंबर को नई पार्टी की घोषणा के पहले 15 से 28 सितंबर तक बिहार के लगभग सभी जिलों का दौरा करेंगे। इस दरमियान तमाम लोगों ने नई पार्टी के बयान के प्रति काफी उत्साह देखा गया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है और बिहार के बाहर बहुत सारे नेता लालू नीतीश के खिलाफ विकल्प की तौर पर बातें करते हैं लेकिन सांसद विधायक बनने के लिए फिर उन्हीं लोगों के गोद में चले जाते हैं। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि लालू नीतीश के खिलाफ बिहार की जनता को नया विकल्प देने के लिए 30 सितंबर को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। बिल्कुल, हम लोग कोई 10-20 एमएलए बनाने के लिए पार्टी नहीं बना रहे हैं। हम लोग को 2025 में एट एनी कॉस्ट अपने बलबूते पर हम सरकार बनाएंगे तो उसी दृष्टिकोण से हम काम करेंगे। पार्टी बनाने के पहले आप पूरा इतिहास हर पार्टी को देख लीजिए, हमने पूरा बिहार का एक एक जिला प्रखंडों का दौरा करके एक महीना से लगातार रात में आए हैं और अभी आप मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं तो काफी बड़े पैमाने पर इतना उत्साह लोगों में है। अब कल 30 तारीख को कितने लोग पहुंचेंगे मुझे भी कोई एहसास नहीं है, कहीं से 100 गाड़ी, 150 गाड़ी, 200 गाड़ी, 50 गाड़ी, 25 गाड़ी, हाँ तो नो डाउट कि नहीं, चूंकि एक तो लालू और नीतीश से आम जनता के खिलाफ अपर कास्ट के लोग भी बीजेपी से बिल्कुल खिलाफ है, नीतीश से तो नफरत ही है। इधर पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर के मरवन और सरैया प्रखंड में बुधवार को वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। दो प्रखंड के 43 पंचायतों में मतदान होगा जिसमें कुल 590 बूथ बनाए गए हैं। वहीं इसको लेकर के सरकार और खास करके प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और सभी जो टीम है वो टीम अब अपने बूथों के लिए रवाना हो चुकी है।
मड़वन प्रखंड के मैं निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी। हमारे यहाँ 198 बूथ है, 102 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट है। हमारा सभी 198 बूथ के पीठासीन पदाधिकारी अपने अपने कर्तव्य पर निकल गए हैं, उन्होंने सारा मटेरियल रिसीव कर लिया है। पीठासीन पदाधिकारी के साथ में जो टैगिंग है स्टाफ, वो सभी कर्मी का टैगिंग कर दिया गया है, वो लोग कल रिसीव कर लिए हैं मटेरियल। इधर कटिहार में भी दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले के 4 प्रखंडों के 24 पंचायत में चुनाव बुधवार को होंगे। मतदान की प्रक्रिया बुधवार को कराई जाएगी, जिसको लेकर 297 मतदान केंद्र बनाया गया है। जिलाधिकारी उदय मिश्र ने बताया कि इस पंचायत चुनाव में 1700 पुलिसकर्मी के अलावा 180 दंडाधिकारी और 1968 मतदान कर्मियों को लगाया गया है। चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। ये हमारा प्रथम चरण इस जिले का, जो कि राज्य का दूसरा चरण है, ये कल हम लोग के यहाँ होने वाला है। ये 4 ब्लॉक्स में हम लोग का होगा, जिसमें कि कुल 24 पंचायत इन 4 ब्लॉक पे कल वहाँ पे इलेक्शंस होंगे। उन इस इलेक्शंस में प्रथम चरण में हमारे 297 बूथ्स हैं और लगभग 2302 कैंडिडेट्स हैं, विभिन्न जो 6 पद होते हैं प्रत्येक पंचायत के लिए। उसके लिए इस चरण में 1,60,523 वोटर्स हैं जो कि वोट करेंगे अपना, और लगभग 1700 पुलिस पर्सनल हम लोगों ने लगाए हैं। 1700 पुलिस पर्सनल के साथ 180 हम लोगों ने मैजिस्ट्रेट्स और 1968 अन्य पोलिंग पर्सनल जो होते हैं, जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1 P2 वगैरह हम लोग देते हैं। और चूँकि ये जो इलेक्शंस हो रहा है, इसमें EVMs के साथ साथ बैलेट बॉक्सेस के माध्यम से भी हो रहा है। इधर औरंगाबाद के नबीनगर प्रखंड के कुल 25 पंचायतों के लिए 29 सितंबर को मतदान होगा, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसे लेकर मतदान कर्मी भी आवश्यक मतदान सामग्रियों के साथ अपने बूथों की ओर रवाना हो चुके हैं। इससे पूर्व SDM विजयंत ने इस मतदान कर्मियों को शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए कई सारी जानकारी भी दी। कहा गया कि यदि सभी कर्मी अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से करेंगे तो फिर चुनाव किसी भी तरीके से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और चुनाव की प्रक्रिया बेहतर तरीके से संपन्न कराई जाएगी। मतदान की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। सभी जो संबंधित सेक्टर अधिकारी होते हैं, PCCP होते हैं, जोनल होते हैं, सुपर जोनल होते हैं, और जो पोलिंग पार्टी होती है, सभी अपने गंतव्य पे जा चुके हैं और PCCP भी अपने गंतव्य पे जा रही है। और कल की पूरी अच्छे से तैयारी कर ली गई है। कल एकदम शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाएगा। इधर नालंदा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ASP अभियान मुकेश कुमार के द्वारा बालू माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में माइकिंग विभाग की टीम भी शामिल रही। कार्रवाई के दौरान ASP अभियान मुकेश कुमार के द्वारा पावापुरी थाना क्षेत्र इलाके से अवैध तरीके से बिना चालान के 4 वाहन को जब्त किया गया है। इसके साथ अवैध तरीके से बालू ढुलाई में शामिल 3 चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं माइनिंग विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में बालू माफियाओं के द्वारा लगातार बालू की ढुलाई कर राज्य सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही है। बिहार थाना में 2, लहरी थाना में 2 और गिरियक में 4, पावपुरी थाना में 4। बिना चलान के गाड़ी चला रहे थे ये लोग, ट्रैक्टर में बालू और ट्रक जो पकड़ाया है पावपुरी में उसमें गिट्टी है। इस पे IPC धारा के अंतर्गत चोरी का इल्जाम होगा और माइनिंग एक्ट के तहत Rule 56 के अगेंस्ट इस पे फाइन होगा। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए DTV के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट। दादी,
इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट पापा। बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पियू, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, रहो सेफ सैनिटरी पैड से, खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर, देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। लो, हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो आए ना, तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी? भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार, तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। DTV भारत, देश के नाम। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे झारखंड की खबरों का। झारखंड में कोरोना संक्रमण की स्थितियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुराना विधानसभा के बगल स्थित ध्रुवा मैदान में
टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोविड 19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से मंगलवार को 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को विभिन्न जिलों में रवाना किया गया है। ये सभी वैन टीका एक्सप्रेस के रूप में टीकाकरण अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आप कोविड संक्रमण में टीकाकरण का कार्य चल रहा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यवस्थाओं से हम लोगों ने टीकाकरण का अभियान चला रखा है और इस क्रम में लगभग 1,70,00,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण कराया जा चुका है। इधर जमशेदपुर के वर्मा माइंस थाना क्षेत्र में शिला पर तोड़ने के मामले को लेकर पुलिस ने भारतीय जनतंत्र मोर्चा के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भाजमो ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए मंगलवार को थाना का घेराव किया। निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दे डाली है। इधर सरायकला जिले के घमरिया थाना अंतर्गत बलरामपुर में रहती जमीन की घेराबंदी को लेकर महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की, साथ ही अंचलाधिकारी से मांग की कि रहती जमीन की घेराबंदी को रोका जाए। दरअसल धनुराम माझी ने कुछ जमीन कमल सिंह मुंडा को बेचा था, जिसका पूरा भुगतान किए बिना ही कमल मुंडा ने जमीन की घेराबंदी शुरू कर दी थी, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। इधर सरायकला जिले के तिरुलडी थाना क्षेत्र में एक हाथी गांव में घुस गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर का सहारा लेकर हाथी को जंगल की ओर भगा दिया। हाथी ने धान की फसलों को रौंद कर नष्ट कर दिया। इधर सरायकेला के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में जिला उद्योग विभाग चाईबासा के द्वारा निर्यात सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र में बनने वाले प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से निर्यात में बढ़ावा दिए जाने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं जिला निर्यात सम्मेलन में जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने स्थानीय उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि एशिया महाद्वीप में ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित होने वाले उत्पाद विश्व स्तर के बनाए जाए, ताकि स्थानीय उद्योगों को निर्यात के क्षेत्र में एक अच्छा बाजार मिले। इधर नहाए खाए के साथ आज 48 घंटों तक चलने वाला जीतिया पर्व शुरू हो गया है। ऐसे में मिथिला पंचांग के अनुसार ये कल सूर्यास्त के बाद टूटेगा, जबकि काशी पंचांग के अनुसार कल सूर्योदय के पूर्व व्रत शुरू होगा और गुरुवार सूर्योदय के बाद समाप्त होगा। आपको बता दें कि पुत्र की लंबी आयु के लिए माँ इस कठोर व्रत को करती है, साथ ही जीतिया को लेकर बाजारों में रौनक दिखी है। जीतिया पर्व है ये, कल का दिन जो है आज नहाए खाए होगा, कल उपवास होगा, परसों दिन इसका पारण होगा सुबह 6 बजे। और ये सोना का जूतिया बनता है, जो जिसा औकात में है, चांदी का भी बनता है, सोना का भी बनता है। ये धागा में भी बनाया जाता है और मोती में भी बनाया जाता है। धागे में कौन कौन सा वैरायटी रहता है? धागे में सूती धागा रहता है, रेशम का रहता है, सिल्क का रहता है। जूतिया पर्व है। और खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हम